ऐसा कोई वीडियो एडिटर नहीं जिसको फ्रीज फ्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। होता तो वीडियो एडिटर है लेकिन उसको एयर स्टिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती रहती है, चाहे आपको किसी सीक्वेंस को बराबर करना हो या किसी शॉट को बड़ा करना हो, हमको फ्रीज फ्रेम्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। चलो हम बताते हैं किस प्रकार फ्रीज फ्रेम क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर जैसे हम जानते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस फ्रेम को हमको फ्रीज करना है। तो यहाँ पर फ्रीज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा आसान काम क्या होता है, यदि आपको यहाँ से लेकर आगे का फ्रीज ही करना है, ये शॉट यहाँ ख़त्म हो गया लेकिन हमको ये शॉट जो है ना आगे की ओर चाहिए, यहाँ तक खींचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, जिस भी फ्रेम पर रखेंगे यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे, ऐड फ्रेम होल्ड। ऐड फ्रेम होल्ड करेंगे तो अब आप आगे देखेंगे यहाँ कट लग जाता है, और कट लगने के बाद इसको हम आगे खींचेंगे तो ये आपका आगे की फ्रीज फ्रेम मिल जाता है। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी वीडियो को फ्रीज फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपको बीच में कोई फ्रीज फ्रेम करना है, जैसे हमको यहाँ पर कोई फ्रीज फ्रेम करना है, तो हम यहाँ पर इसको आगे कर लेते हैं और लास्ट फ्रेम पर जाते हैं, एक फ्रेम पीछे जाते हैं और यहीं पर हम राइट क्लिक करके ऐड होल्ड फ्रेम कर देते हैं तो ये फ्रेम फ्रीज हो जाता है। देखिए इस तरीके से जितनी देर तक आप इसको होल्ड करना चाहते हैं उतनी देर आप यहाँ होल्ड करिए और फिर आपका आगे फिर वीडियो कंटिन्यू हो जाता है। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी करेक्टर कोई मूव कर रहा होता है, वहाँ पर हमको फ्रीज फ्रेम बीच में लगता है, उसका फिर वहीं से मूव कर लेता है, तो उसमें यही टेक्निक यूज़ की जाती है, बीच का फ्रेम फ्रीज कर देते हैं और आगे फिर वही वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये फ्रीज फ्रेम है। किसी भी वीडियो में से किसी भी फ्रेम को आप फ्रीज करना है तो आप इस तरीके से फ्रीज फ्रेम कर सकते हैं।